अब ये आखिरी कड़ी ही माना जाए मानी जाए। मैं अनामिका मैडम के शब्दों को सुनने के लिए आतुर हूँ और उनसे आग्रह है कि आप अपने दो शब्दों से पुनः एक बार हमारे पर्यावरण को, हमारे गांव को, हमारे समाज को और हमारी दैनिक गतिविधियों को एक आंदोलन का स्वरूप दें। आदरणीय मैडम, संयोजक प्रणव कुमार प्रणव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पर्यावरण के लिए इतना अच्छा कोशिश इन्होंने किया। आज के भारतीय बौद्धिक जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है इसके बारे में कुछ सोचे करें और ये इतना बड़ा काम कर रहा है धरती के पुरस्कार के लिए, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने अपने महत्वपूर्ण क्षणों में हमारे गांव को, हमारे समाज को इतना समय दिया, हम आपके ऋणी हैं, हम आपको परवश याद करते रहेंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि आप हमारी धरती को इतना स्नेह देंगे कि आप इस बरसात के दिनों में भी हमारे यहाँ आने की महती कृपा करेंगे। त्रुटियाँ मनुष्य के जीवन का मूलाधार है, हमसे त्रुटियाँ हुई होगी, हमारी त्रुटियों को हृदय में ध्यान न देते हुए अपने प्रेमवारी के अविरल प्रवाह से हमारी इस आनंद वाटिका को अभिसिंचित करने की महती कृपा करेंगे। ऐसी ही आशा और उम्मीद हम भविष्य में भी आपसे रखेंगे। धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम वृक्षारोपण का है, जो हमारा मुख्य आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है और उस कार्यक्रम के बाद सभापति महोदय के आदेश से सभा विसर्जित मानी जाए और अब हम अपने मुख्यमंत्री अतिथि के साथ वृक्षारोपण के लिए प्रस्थान करें। बोलो क्या है? बोलो ना। अरे बोलो ना। बोलो ना क्या बात हो रही है? हम नहीं बताएंगे, हमको नहीं दी थी। आप दोनों पहले हाँ छोड़वा दीजिए तो हम लोग निकालो उसको, उसको निकालो जल्दी। अरे आगे उधार लेके आओ ना, उसको निकालो, उसको चला गया, चलो चलो उसको लेके जाइए उधर दे दोगे। हम लोग परम ब्रह्म परमात्मा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रवीण भाई साहब ने इतना बड़ा जो काम किया यह संत का काम है। इसी मनुष्यों के द्वारा जो एक विधि बतलाई गई उसमें से यह उत्तम कार्य है, परोपकार का काम।
कहा तो गया है कि व्यास मुनि ने 18 पुराणों की रचना की और उन पुराणों में मात्र उन्होंने दो ही बात पर जोर दिया, वह है क्या कि अष्टादश पुराणे सी व्याचस वचनम द्वयम और काराय पुण्याय पापाय परिपीर्णम। इन्होंने एक वृक्ष अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए उन्होंने लगाया। और कल हमने भागलपुर जाने के क्रम में अपने बेटे से कहा कि ऐसा कार्यक्रम सामने में आया है, जरा गूगल खोलो। तो जब गूगल खुलवाए तो हमने कल वृक्ष के बारे में बताया कि सुना तो है लेकिन जाना नहीं है, जिसमें हमारे सिविल कोर्ट के जज साहब और सब लोग भाग लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम जरूर आएंगे और यहाँ तक कि हमने इसको देव स्वरूप देव कार्य मान करके अपना भोजन भी छोड़ दिया और इस कार्य में भागीदारी हमने जताई कि कल्प वृक्ष वास्तव में यह डिवाइन भी कहा जाएगा, तरुवर कल्प तरु हमने इनको कहा कि यह वृक्षों में श्रेष्ठ कल्प तरु है। तो इसकी पूजा प्रार्थना के लिए हम लोग करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम लक्ष्मीकांतम कमलनयन योगी वृदानुगम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोके नाथम। लक्ष्मी वेदाध्रा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभि पाहि तनुभि अष्टाभिरवं सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थान येभ्येव च मातस्तदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान प्राण विहाय ते निर्गतम हि यान्ति कलेवरेण भू बहनि वायु गगनाम्बुभि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिध्ये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः परदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः परदीपः। ओम भद्रम कर इसमें फूल भी है क्या? फूल है क्या? ओम भद्रम कर्णे विष्णुयम देवा भद्रम स्त्री रंगे सस्वागम व्यसम यदायु। इसमें तो जरा से मिलना चाहिए। पंडित जी थोड़ा गाछ को हाथ में लेंगे क्या? अच्छा अच्छा और गड्ढा है ना, कोई और है ना? जरा इस बात में आप जल देंगे वो ओम पृथ्वी प्राजिता लोका देवी तुम विष्णुतम तो धारे माम देवी पवित्रम कुरु चरणम। अब ये वो इस खुला हुआ है ना, थोड़ा सा गड्ढा होगा तब तो किसी को रखा जाए? नहीं वो मिट्टी मिट्टी जैसे दोनों लगाएंगे। एक एक पकड़ लिया जाएगा, एक थोड़ा सा ऊपर से लगा दोनों दोनों ओम सस्कर निंदा भी तुरा सोचना उसने पूछा भी तो बता सकता ओम पहले तो तुम पहले और से पहले तुम पहले से पहले संतु महिमा है। आज लगाने का मौका लग रहा है, इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य हो सकता है। और यह बहुत यज्ञ नहीं महायज्ञ कर रही है हमारे प्रवीण भाई साहब। हम लोग भदौली के रहने वाले तोमर और तोमरों की राजधानी हस्तिनापुर की जब हमारे लोग
भदौली यानी मध्य प्रदेश ग्वालियर से यहाँ आए तो उन्होंने कहा गांव का क्या नाम रखे। एक थे जिया पंडित जी हमारे यहाँ मास्टर थे, उनको कहा आइए सर इधर है इनका इनका पदार्पण पहली बार हुआ है इस क्षेत्र में। नहीं अशोक का अच्छा अलग सर जरा सा सामने देखेंगे और सर जाइए जरा सामने। सब दे देना है ना जल पूरे इंडिया में नौ थे, नौ में से एक रांची में चार है, उसमें से एक मध्य है। रुक जाओ प्रवीण रुको हम मंत्र पढ़ देते हैं ठीक है ना ठाकुर जी मंत्र पढ़ देना। आइए पढ़ाओ आइए सब लोग मिलजुल के।